हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एवियस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। जैसा कि हम लोग स्टेपो मोटर सीरीज को स्टार्ट किए थे, और स्टेपो मोटर में हमने वेरिएबल रिएक्टेंस और परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपो मोटर दोनों देख लिया था। अब हम आगे देखने जा रहे हैं हाइब्रिड स्टेपो मोटर। ऑब्वियस ही बात है कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, कि जिनके पास दोनों नेचर आपके होंगे। दोनों नेचर का मतलब ये हो गया कि वेरिएबल रिलक्टेंस नेचर एज वेल एज परमानेंट मैग्नेट। यानी अगर मैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और परमानेंट मैग्नेट दोनों यूज होगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो स्टेटर का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो सिमिलर टू वेरिएबल रिलक्टेंस एज वेल एज परमानेंट मैग्नेट होगा। तो स्टेटर हैच, ऑब्वियस सी बात है, सैलियंट पोल स्ट्रक्चर होना है स्टेटर का, सैलियंट पोल स्ट्रक्चर एंड इट हैज कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। क्लियर? ठीक है। अगर मैं रोटर की बात करूं यहाँ पे, तो रोटर के केस में यहाँ पे दोनों चीजें होनी है। दोनों चीजें होने का मतलब क्या हो गया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी होना है और आपका परमानेंट मैग्नेट भी होना है। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप कंस्ट्रक्शन पे अगर जाओगे तो कंस्ट्रक्शन पे ये देखोगे कि जो आपका ये जो दिख रहा है आपको कोएक्सियल, यानी आपका यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल शेप में परमानेंट मैग्नेट मटेरियल यूज होगा यहाँ पे। क्लियर? ये एक एक्सियल परमानेंट मैग्नेट मटेरियल हम यूज करें, जिसके एक को नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो रोटर के पास क्या होगा, एक्सियल परमानेंट मैग्नेट। क्लियर? ठीक है। और इसके अलावा एक्सेल परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या हो गया, परमानेंट मैग्नेट फीचर्स भी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक स्टैक। अगर मैं ये बात करूं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा फेरोमैग्नेटिक स्टैक, ये आपको एक सैलियंट पोल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये आपके फेरोमैग्नेटिक स्टैक। यानी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एंड पे आपके फेरोमैग्नेटिक स्टैक को अटैच किया जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो आपके क्या होंगे, एट both end of axial permanent magnet, clear, identical ferromagnetic stack is attached, identical ferromagnetic stack is attached। identical का मतलब क्या हो गया, same number of poles, मतलब जो salient pole structure है वो same होना चाहिए। क्लियर? इज टेस्ट। तो इस कंस्ट्रक्शन की वजह से आपके जो हाइब्रिड स्टेपर मोटर होता है उसके पास दोनों फीचर्स आ जाते हैं। क्लियर? तो इट कंबाइंस बोथ फीचर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर। आपने जो वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर में लॉजिक देखा था, वहां पे सैलिएंट पोल टाइप आपका रोटर भी होता था, वहां पे मिनिमम रिलक्टेंस का पाथ हम देखते थे, सेम लॉजिक यहाँ भी यूज होना है। परमानेंट मैग्नेट में हमने देखा था कि अपोजिट पोल एक दूसरे को अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आपका रोटर मूव करता है टू अचीव द मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज। ये सारी चीजें थी। क्लियर? ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल को इसके समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले एक पॉइंट आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन होता है इसकी वजह से जो एडवांटेज मिलता है वो एडवांटेज क्या होता है। ये एडवांटेज होता है कि जो आपका स्टेप एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लो आप, क्लियर, या आप कह लो स्टेप एंगल। क्लियर? स्टेप एंगल की जो वैल्यू होती है थीटा की, वो आपकी होती है हाफ ऑफ द रोटर पोल पिच। जो आपका रोटर पोल पिच होगा उसके जस्ट हाफ होती है। रोटर पोल पिच की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री होता है और मैकेनिकली डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पोल्स क्या है। क्लियर? तो आपका जो स्टेप एंगल आएगा, जैसे यहाँ पे है, आप यहाँ पे क्या है, थ्री, अगर मैं यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है आपका टू फेज 4/6 पोल्स HSM का।
इसको लेके हम समझने की कोशिश करेंगे, यानी 4 नंबर ऑफ स्टेटा पोल्स है, 6 नंबर ऑफ रोटा पोल्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैं जैसे ये बोला कि थीटा की वैल्यू हाफ ऑफ द रोटर पोल पिच होगा। अगर मैं रोटर पोल पिच की बात करूं तो यहाँ पे थीटा इलेक्ट्रिकल, अगर पोल पिच की बात करूं तो थीटा इलेक्ट्रिकल तो 180 डिग्री होता है, क्लियर। लेकिन नंबर ऑफ पोल्स अगर मैकेनिकल डिग्री की बात करूं तो थीटा एम की वैल्यू जो आएगी वो 2/P इंटू थीटा इलेक्ट्रिकल आना है, जहां पे पी क्या है, नंबर ऑफ रोटर पोल्स। ये क्या हो जाएगा 2/6 इंटू 180, क्लियर। ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री, क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा की वैल्यू अगर आप देखो यहां से, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 60 इक्वल टू 30 डिग्री। अभी हम आगे वर्किंग प्रिंसिपल में देखेंगे कि आपका जो रोटर है वो कितने एंगल रोटेट करेगा, हर एक इनपुट पल्स के लिए 30 डिग्री आपका स्टेप एंगल मिलेगा, क्लियर, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, ये कैसे हो रहा है। तो वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए फिर से वही लॉजिक है कि आपका सिस्टम ऑलरेडी रनिंग मोड में है, आपने एक रेफरेंस पोजीशन चूज किया हुआ है और उस रेफरेंस पोजीशन से आप एनालिसिस कर रहे हैं, यानी ये आपके लिए रेफरेंस पोजीशन है, क्लियर। और इस रेफरेंस पोजीशन आपको कब मिल रहा है, जब आपने फेज ए को एक्साइट किया हुआ है, फेज ए को एनर्जाइज किया हुआ है। यहाँ पे 4 नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 फेजेज होंगे, क्लियर। ए और ए डैश एक फेज को रिप्रेजेंट करेगा, ए डैश रिप्रेजेंट द फेज ए एंड बीबी डैश रिप्रेजेंट द फेज, क्लियर। ये आपका बीबी डैश होगा, ये बी और ये बीबी डैश, क्लियर, ठीक है। जब आपको ए पे एनर्जाइज करेंगे तो ए पॉजिटिव पोलैरिटी पे एनर्जाइज होगा, जब आप ए डैश को एनर्जाइज करेंगे तो वही पोलैरिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, बस यही लॉजिक है इसके पीछे। तो फर्स्ट स्टेप में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपने एनालिसिस स्टार्ट की रेफरेंस पोजिशन से, आपने क्या किया, एनर्जाइज किया हुआ है किसको, ए को। जब आपने ए को एनर्जाइज किया हुआ है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रोटर पोल पोजीशन, मैं ये मान रहा हूँ ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइडेंटिकल। पहले चीज तो ये देखिए कि मैंने क्या कहा था कि आइडेंटिकल फेरोमैग्नेटिक स्टैक अटैच होने चाहिए। तो अगर आप डायग्राम देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 स्टैक हैं जो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साउथ पोल साइड में 3 स्टैक है जो साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। तो आप यहाँ भी डायग्राम में देख सकते हो कि जब हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया हुआ है, तो ये जो साउथ पोल है, ये डॉटेड लाइन से साउथ पोल को रिप्रेजेंट किया है, इसको मैं रेड कर दे रहा हूँ। ये साउथ पोल जो है वो किसके इन्फ्लुएंस में है, परमानेंट मैग्नेट के साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में, क्लियर, ठीक है। और जो नॉर्थ पोल है वो आपका जो ब्लैक से सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो आपके नॉर्थ पोल के साथ इन्फ्लुएंस है, क्लियर, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल का लॉजिक वही है कि आपका जो रोटर का मूवमेंट होना है वो क्या होना है, एक तो रिलक्टेंस मिनिमम हो जाए, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लॉजिक हो अपोजिट पोलैरिटी के लिए। अगर आप ए को एनर्जाइज कर रहे हैं इस कंडीशन में, आपका जो रोटर पोजिशन, रोटर पोल पोजिशन 1 और 4 क्या हो रहा है, अलाइन विद स्टेटर पोल, स्टेटर ए ए डैश पोल पोजिशन, क्लियर। और ये अलाइनमेंट के लिए क्या लॉजिक है इसके पीछे, लॉजिक वही है, दोनों लॉजिक यहां पे इन्वॉल्व होंगे, लो रिलक्टेंस होना, मिनिमम रिलक्टेंस होना, लो का मतलब मिनिमम रिलक्टेंस होना, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन अपोजिट पोल्स, यानी स्टेटर का जो नॉर्थ पोल होगा वो रोटर के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, क्लियर, ठीक है। तो ये दोनों लॉजिक के साथ ये चीज होता है, क्लियर। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, जब हम सेकेंड स्टेप में आएंगे तो ये और क्लैरिफाई होगा। तो सेकेंड स्टेप में आने से पहले थोड़ा सा हम मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशन को देखें इसको, तो मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशन को देखना जरूरी है यहाँ पे।
क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे छह आपके रोटर पोल्स हैं, क्लियर, आपके छह रोटर पोल्स हैं और आपके फोर स्टेटर पोल हैं। क्लियर, ठीक है, आपके फोर स्टेटर पोल है। तो कॉन्फ़िगरेशन को इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां पे तो कंसेक्यूटिव पोल्स के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा, ये आपको 60 डिग्री दिख भी रहा होगा, क्लियर। और आपका जो स्टेटर पोल होगा, जो कंसेक्यूटिव स्टेटर पोल होगा, उसके बीच का जो फेज एंगल डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी अगर मैं 90 में से 60 माइनस कर दूं तो इस नॉर्थ पोल और ये स्टेटर पोल के बीच का जो डिफरेंस होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। सेम लॉजिक यहाँ भी, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये भी एंगल क्या होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, 60 डिग्री के बराबर। कंसेक्यूटिव रोटर पोल डिफरेंस क्या होना चाहिए, 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि एक पेरिफेरी पे छह पोल है तो 360/6 यानी 60 डिग्री के बराबर हर कॉन्सिक्यूटिव पोल के बीच में फेज डिफरेंस होगा, वो मैकेनिकल रोटर पोल बीच के बराबर ही होता है। क्लियर, ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, एनर्जाइज फेज बी, या बी को आप एनर्जाइज करेंगे एंड डी एनर्जाइज ए। यहां पे आपको अब ध्यान देने वाली बात है, आप यहां पे एक बार समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका बी बी डैश है। जब आपका बी एनर्जाइज नहीं था तो साउथ पोल का पोजीशन यहां पे था, क्लियर। जैसे ही आपने बी को एनर्जाइज किया, बी को एनर्जाइज करने पे यहां पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, यहां पे आपका साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, क्लियर। जैसे ही आपने बी को एनर्जाइज किया यहां पे नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाना, क्लियर। तो अब ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से रोटर क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके कहां हो जाता है, अलाइन हो जाता है स्टेटर फील्ड के साथ, यानी बीबी डैश के साथ, क्लियर। आपका एयर गैप भी मिनिमम हो गया, एयर गैप मिनिमम मतलब मिनिमम रिलक्टेंस आपको मिल गया, और आपका ये मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज के साथ अलाइन भी हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग गया, यानी दोनों फीचर्स आपको मिल गए, क्लियर। तो ये अलाइनमेंट के लिए कितना एंगल इसको मूवमेंट करना पड़ा, यहां पे आप देख भी रहेंगे 30 डिग्री इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ा, ये एंगल, ये 30 डिग्री इसको रोटेट करना पड़ा। हम फिर से वही रेफरेंस पोजीशन पे ही अपना दिमाग लगाएंगे, अपना ध्यान वहीं पे देंगे। यहां पे इसलिए समझाने के लिए बताया गया क्योंकि आप बी को एनर्जाइज कर रहे हैं तो मूवमेंट यहां पे होना है, यानी अगर साउथ पोल यहां से 30 डिग्री मूव कर रहा है तो पूरा का पूरा रोटर फेरी फेरी मूव करेगा, यानी ये साउथ पोल भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, 30 डिग्री रोटेट कर जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के बराबर ये रोटेट कर जाएगा। यानी जैसे ही आपने ये किया, क्लियर, रोटर रोटेट्स बाय एंगल 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर। यानी स्टेप एंगल कितना मिला, 30 डिग्री के बराबर। यानी अगर मैं ये कहूँ स्टेप एंगल की बात ना करके ये बोलूँ कि रेफरेंस पोजीशन से आपका जो शिफ्टिंग हो रहा है रोटर पोल्स का वो क्या हो रहा है, 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि पहले वो यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था, पहले ये इस पोजीशन पे था, अब ये क्या हो गया, इस पोजीशन पे आ गया, क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है शिफ्टिंग कितनी हो रही है, 30 डिग्री के बराबर हो रही है। अब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे, ऐसे ये स्टेप आगे बढ़ता रहेगा, बस मैं तीसरे स्टेप तक बता दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे, एनर्जाइज ए डैश, ए डैश एनर्जाइज करने का मतलब क्या होगा, पोलैरिटी जस्ट अपोजिट करेंगे आप ए पे जो पोलैरिटी प्रोवाइड करेंगे वो क्या करेंगे, अपोजिट पोलैरिटी को प्रोवाइड करेंगे, यानी ए डैश को पॉजिटिव रखेंगे और ए को नेगेटिव, एंड डी एनर्जाइज बी। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो फिर से आप यही देखिए, यहां पे आप जब बी एनर्जाइज था उस कंडीशन में साउथ पोल का पोजिशन यहां पर, आपने अब ए डैश को एनर्जाइज किया, जैसे ही आप ए को एनर्जाइज करेंगे यहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट होगा, अब ये क्या करेगा, इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, क्लियर, इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और ऑब्वियस ही बात है अट्रैक्ट करने पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन होंगे, यानी कितना मूवमेंट हो गया, 30 डिग्री के बराबर। अभी भी रोटेशन क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, फिर से रोटर क्या करेगा, रोटर रोटेट्स बाई एंगल स्टेप एंगल
30 डिग्री, क्लियर। लेकिन अगर आप फोकस करेंगे फिर से रेफरेंस पोजीशन से रेस्पेक्ट में, तो ये आपका साउथ पोल था, क्लियर। पहले ये ए डैश के अलाइनमेंट में था, फिर 30 डिग्री मूव किया, फिर उसके बाद ये क्या हो गया, 30 डिग्री फिर मूव करेगा क्योंकि क्लॉकवाइज एक्शन में रोटेट कर रहा है। तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन, यानी मैं थीटा की बात करूं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन से आपका जो एंगल होगा वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, वो आपको दिख भी रहा है, क्लियर। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। वर्किंग प्रिंसिपल वही दोनों चीज पे डिपेंड करता है कि आपका मिनिमम रिलक्टेंस हो जाए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे अपोजिट पोल्स के बीच में, क्लियर। तो अब मैं सिक्वेंस की बात करूंगा यहां पर। अगर मैं सिक्वेंस लू, सिक्वेंस किसके लिए, फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए जो सिक्वेंस मिलेगा आपका क्या मिलेगा, पहले ए को एक्साइट करेंगे, देन बी को एक्साइट किया, देन ए डैश यानी अपोजिट पोलैरिटी पे एक्साइट किया, देन बी डैश को एक्साइट किया, देन ए को एक्साइट किया, क्लियर। अगर यही सिक्वेंस आपको क्या चाहिए, काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए, तो आपको अपोजिट सिक्वेंस में एक्साइटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, क्लियर। अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए तो आप क्या करना पड़ेगा, ए को एक्साइट किया, फिर आपने बी डैश यानी माइनस बी, फिर ए डैश माइनस ए, फिर आप बी, देन ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। और हर एक सीक्वेंस में 30 डिग्री आपका स्टेप एंगल मिलेगा, क्लियर। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके वर्किंग प्रिंसिपल होता है हाइब्रिड स्टेपर मोटर के लिए। लॉजिक वही है, मिनिमम रिलक्टेंस होना और साथ साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लॉजिक लगना, क्लियर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा टर्मोलॉजी के बारे में देखेंगे कि क्या क्या टर्मोलॉजी हम स्टेपर मोटर में यूज करते हैं। तो एक एक करके हम जो मतलब आपसे दो नंबर में पूछे भी जा सकते हैं तो उनको हम देखने जा रहे हैं। स्टेप एंगल, तो स्टेप एंगल को डिफाइन करने का तरीका मैंने पहले भी बता रखा है। तो स्टेप एंगल क्या होता है, स्टेप एंगल अगर हम बोले तो स्टेप एंगल इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोटर इन रेस्पॉन्स टू वन इनपुट पल्स। एक इनपुट पल्स के रेस्पॉन्स में आपका रोटर कितना मूव कर रहा है वही आपका स्टेप एंगल होता है, क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या रोटेशन ऑफ शाफ्ट इन रेस्पॉन्स टू द वन इनपुट पल्स, तो वो भी आपका स्टेप एंगल ही होता है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से स्टेप एंगल आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपका है सिंगल स्टेप रिजोल्यूशन। सिंगल स्टेप रिजोल्यूशन, हम रिजोल्यूशन की बात जो कर रहे हैं, रिजोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि आखिर में एक्यूरेसी क्या है उस, मतलब एक्यूरेसी का मतलब ये हो गया कि रिजोल्यूशन का मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल जितने अच्छे होते हैं उसका जो सबसे छोटा साइज होता है वो कम होता है, यानी नंबर ऑफ जो आपके क्यूबिक होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही लॉजिक है, यहाँ भी सिंगल स्टेप रिजोल्यूशन का सीधे सीधे मतलब ये है कि ग्रेटर द रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन आपका ग्रेटर तभी होगा व्हेन द नंबर ऑफ स्टेप्स, आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स मिल रहे हैं इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी 360 डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपका जितना नंबर ऑफ स्टेप मिल रहा है, अगर जितना हाई नंबर ऑफ स्टेप होगा, क्लियर, ठीक है, उतना ही आपका रिवॉल्यूशन भी अच्छा होगा। व्हेन द नंबर ऑफ स्टेप इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज मोर, क्लियर। तो आप यहां से एक चीज और निकाल सकते हैं कि अगर मैं स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करूं तो नंबर ऑफ स्टेप्स को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 360 डिग्री अपॉन स्टेप एंगल थीटा। यानी अगर स्टेप एंगल की वैल्यू आपकी जितनी कम होगी उतना ही नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा होगी, क्लियर। तो मोटा मोटी यहां से पॉइंट निकल के क्या आता है कि लेसर द वैल्यू ऑफ स्टेप एंगल की वैल्यू जितनी कम होगी, ग्रेटर द नंबर ऑफ
स्टेप्स, ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप होगा ग्रेटर द सिंगल स्टेप रिजोल्यूशन, ये लॉजिक है इसके पीछे, क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि सिंगल स्टेप रिजोल्यूशन क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका होल्डिंग टॉर्क। ये टॉर्क जो है, होल्डिंग टॉर्क का जो टॉपिक है वो हम टॉर्क डिस्प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखेंगे। होल्डिंग टॉर्क, होल्डिंग टॉर्क का फिनोमिना तब आता है जब आपका रोटर, अगर सॉरी जो आपका मोटर है वो एक्साइटेड मोड में है, उसके बावजूद भी आपका रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में, क्लियर? ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका लोड टॉर्क, ऑब्वियस सी बात है, लोड टॉर्क क्या करता है, मोटर टॉर्क को अपोज करता है, तो उस अपोजिशन की वजह से ही आपका वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में भी आ सकता है। तो उसके लिए कितना मैक्सिमम टॉर्क की रिक्वायरमेंट है स्टैंड स्टिल कंडीशन होने के लिए, वही आपका होल्डिंग टॉर्क होता है। यानी अगर मैं बात करूं यहां पे, तो एट स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, अगर मैं स्टैंड स्टिल कंडीशन की बात करूं यहां पे, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, क्लियर, इस कंडीशन पे आपका जो मोटर होता है, यानी मोटर किस कंडीशन में, एक्साइटेड मोटर आपका अनएक्साइटेड मोड में नहीं है, मोटर पे आपने स्टेटर पे सप्लाई दी हुई है, तो एक्साइटेड मोटर क्या करता है, अपोजेस द रोटर रोटेशन या शाफ्ट रोटेशन, शाफ्ट का मतलब रोटर ही हो गया, शाफ्ट रोटेशन, क्लियर, इसकी वजह से ये करता है, ये ड्यू टू लोड टॉर्क, लोड टॉर्क की वजह से क्या करता है, ये अपोज करता है उसके रोटेशन, क्लियर। तो यहीं से लॉजिक निकल के आता है कि जिसके लिए जितनी मैक्सिमम टॉर्क की नीड होगी वही आपका होल्डिंग टॉर्क होगा, क्लियर। तो होल्डिंग टॉर्क इज डिफाइंड एज, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो होल्डिंग टॉर्क इज डिफाइंड एज मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड टॉर्क, वैल्यू ऑफ लोड टॉर्क, ठीक है, टू द, ऑब्वियस बात है कहां पे लगता है लोड टॉर्क, टू द शाफ्ट ऑफ, मोटर क्या है एक्साइटेड मोड में है, तो आप यहां पे लिखेंगे एक्साइटेड मोटर, टू द शाफ्ट ऑफ एक्साइटेड मोटर, और आपका कोई रोटेशन नहीं हो रहा है विदाउट कॉजिंग एनी कॉन्टिन्यूअस रोटेशन, एनी कॉन्टिन्यूअस रोटेशन, कोई रोटेशन आपका नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वही आपका होल्डिंग टॉर्क होता है, क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका डिटेन टॉर्क। डिटेंट टॉर्क, डिटेन टॉर्क का जो फिनोमिना है, जब आपका मोटर अनएक्साइटेड मोड में होता है तभी आपका ये डिटेन टॉर्क का फिनोमिना आता है, यानी व्हेन मोटर इज अनएक्साइटेड। अनएक्साइटेड का मतलब क्या हो गया, मान लो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर आपका फेल हो गया किसी कंडीशन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर फॉल्ट की वजह से आपका फेल्योर रीजन में आ गया, तो उस कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है स्टेटर अनएक्साइटेड हो जाएगा। तो ये अनएक्साइटेड की वजह से, अगर मतलब आपको याद हो तो मैंने परमानेंट मैग्नेट के लिए आपको एक स्पेशल केस बताया था कि परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि अलाइनमेंट टॉर्क मिलता है, टॉर्क डेवलप होता है जिसकी वजह से रोटर एक पोजिशन पर आके रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्लियर। तो जब अब मोटर आपका अनएक्साइटेड होता है तो परमानेंट मैग्नेट नेचर कहाँ कहाँ होता है, पीएम एंड HSM, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में और हाइब्रिड स्टेपर मोटर में, दोनों में आपका परमानेंट मैग्नेट नेचर होता है, क्लियर। तो इन दोनों मोटर में क्या होगा कि अगर मोटर आपका अनएक्साइटेड है, क्लियर, तो आपका जो मोटर होता है, ठीक है, मोटर आर एबल टू डेवलप अ टॉर्क, मोटर का मतलब जो रोटर होता है, आर एबल टू डेवलप अ टॉर्क, एक टॉर्क डेवलप करने के लिए वो एबल होता है ड्यू टू द परमानेंट मैग्नेट नेचर टू रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन ऑफ रोटर। आपके रोटर को रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक टॉर्क डेवलप होता है जिसकी वजह से वो कुछ एंगल अलाइन होके एक सॉलिड पोजीशन में आ जाता है स्टेटर पोज के पेरिफेरी में, क्लियर। तो अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि डिटेन टॉर्क क्या होता है, तो सिंपल जैसा आपने
होल्डिंग टॉक के केस में एक्सप्लेन किया, सेम यहां भी आप एक्सप्लेन करेंगे, बस क्या हो जाएगा यहाँ पे अनएक्साइटेड मोटर आ जाएगा इसकी जगह पे, एक्साइटेड मोटर की जगह पे। इट डिफाइंड एज मैक्सिमम लोड टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड टू शाफ्ट ऑफ, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि एक्साइटेड मोटर की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पे अनएक्साइटेड मोटर। और यहां भी वही कहानी लिखनी है, यहां पे कोई रोटेशन नहीं होता है विदाउट कॉजिंग कॉन्टिन्यूअस रोटेशन। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। तो कोई भी चीज आप रटने की कोशिश मत किया करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। यहां भी समझना ही आपको होल्डिंग टॉर्क, डिटेंड टॉर्क, या फिर सिंगल स्टेप रिजोल्यूशन, या फिर हमें स्टेप एंगल की बात करूं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।